नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उनको पैर में चोट लगी थी, जिसके बाद अभी भी वो उस चोट से उभर नहीं पाए हैं। एनसीए में हैं, रिहैब कर रहे हैं, लेकिन अब फाइनली बीसीसीआई ने ये ऐलान कर दिया है कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। अपने चोट के चलते हार्दिक पांड्या अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं, लगातार रिहैब कर रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं अपने चोट के चलते। और बीसीसीआई ने इसका ऐलान कर दिया है, इसकी जानकारी दे दी है। तो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, वो बैटर मतलब बल्लेबाज का भी रोल निभाते हैं और छठे गेंदबाज का भी रोल निभाते हैं। और ऐसे में हार्दिक पांड्या को रिप्लेस किया है प्रसिद्ध कृष्णा ने। प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाज हैं, लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने। प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हो गई टीम इंडिया में, लेकिन टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है इस वर्ल्ड कप में। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और अब हार्दिक पांड्या आपको किसी भी मुकाबले के में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और जिसके बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। हालांकि मोहम्मद शमी की जब से टीम इंडिया में वापसी हुई है और हार्दिक पांड्या जब से इंजर्ड हुए हैं, टीम इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। जसप्रीत बुमराह, सिराज और शमी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और टीमें उनके सामने ध्वस्त हो रही हैं और एक तरफा मुकाबले टीम इंडिया जीत रही है, लेकिन हार्दिक पांड्या के आने से टीम इंडिया को एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज भी मिलता है और एक एक्स्ट्रा गेंदबाज भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब वो काम रविंद्र जडेजा को करना होगा, जो काम हार्दिक पांड्या करते थे वही काम अब रविंद्र जडेजा को करना होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पांड्या पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और अब आपको हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप का कोई भी मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि